के भयो जाने ल यिनीहरू बल्ल बल्ल रेडी भयो यिनीहरूको आज प्रोग्राम अरे भुटनिस ड्रेसमा के ड्रेस अरे भुटानको ड्रेस त्यसलाई भन्छ किरा यसले के भन्दैछ त डान्स हावाको छ अरे दुई बजी प्रोग्राम अरे यिनीहरू लेते त्यते गरेर बसेको अहिलेसम्म अब बल्ल अघि भर्खर मैले गाडी धुलाएको हो मैलो हुन्छ त्यहाँ मैलो नगर त्यहाँ सुक्खामा बस गाडी धुलाएर कस्तो चुडाक्क पारेर आएको छ हेर न अब कस्तो सफा गरेर अघि अब हेर्नु अरे मैलो गरिदिनु भयो मैले अब ल त गाइस भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू छ है ल त पुऱ्याइहाल्नु म पनि जानुपर्छ गाडी आयो हो सक्छ तान्नु तिमीहरूले ताना 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 जोड्ला ताना ल छोड्दे छोड्दे हुन्छ ठेर न है ठेर भाइ यहाँ डान्सरहरू चढ्दैछ सेलिब्रिटीहरू आमा एन्थोनीको ऊ ठोके एउटा अरे यिनीहरूलाई कमसेकम दुई घन्टा कि तिन घन्टा लाग्यो मेकअप गर्नु लागि अहिलेदेखि होइन त बाह्र बजीदेखि बाह्र बजी के एघार बजीदेखि गऱ्यो कि यिनीहरूले तिन घन्टा लाग्यो यिनीहरू चारजनालाई रेडी हुनु लागि यस्तो छ ल जाँदैछ त अब कस्तो गर्ने यिनीहरूले डान्स थाहा छैन हावाको डान्स किन गरेको त किन गरेको त अहिले हावाको किन गरेको त होइन कसले कति दिएको छ पैसा अनि पैसा दिएर किन त्यस्तो अनि गाना चोइस गरेको त हामीले पैसा दिइसकेको थियो होइन त्यसको बाद चाहिँ गानाहरू काटेर के गर्नु खोज्यो अनि भनेन नि तिमीलाई सबैजना भन्नुपर्छ नि त यो गानामा त अब ठिक होइन अर्को गाना नाच्नु नाच्ने भन्नुपर्छ नि त गाना राम्रै छ हाम्रो यति किन मात्रै गानाहरू फुल थियो होइन हाम्रो कति तिन मिनट कि कति ए सानो भनेको गाना ठिकै छ त अनि सर्ट कति दुई मिनटको त होला दुई मिनटको त होला नि त अनि पुगिहालौँ राम्रो लगाएर म कहाँ यतिकै हो नि के राम्रो लगाएको ओके आमा तिनजना हुँदैन ल बाई बाई चिनी बाई बाई ल टाटा ल त गाइस अब म पनि अब रेडी भएर आउँछु निमा भान्जी आउँछु भनेर चाहिँ भान्जीसँग आउँछु है त घर भेट म चाहिँ रेडी भइसकेँ है भान्जीलाई पर्खेको आइपुगेको छैन कतिखेर आउने हो खाइ छैन आएपछि भेटौँ है त आउँछु भन्दैछ खै आइपुगेको छैन बल्ल बल्ल आइपुग्यो किन ढिलो छिट्टो आइज भनेको त झन् ढिलो भयो अनि प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेर आजै प्रोग्राम खतम भयो भन्दैछ के भन्छ भर्खर त पुऱ्याएर आएको दुई त बजेको छ त अनि त्यसको मिस भएको छ भने तिनीहरू ग्रुप त अहिले गएको हो नि त डान्स त भयो थुप्रै होला नि त डान्स ल त गाईजी स्कुलमा भेटौँ होला
ढिलो भइसक्यो गाइस, छोरीले फोन गरेको थियो, प्रोग्राम हुनु आँटेको थियो, छुट्टा आइज भन्दैछ, म चाहिँ कुद्दैछु। हजुर भित्र पुगेपछि ऊ एनाउन्स गरेँ तिनीहरूको डान्स प्रोग्राम भइरहेको छ के हो यहाँ रहेछ है। अब अगाडि जानुपर्छ, अब के भयो के भयो नाच डान्स डान्स अब आउँछ अरे नि त्यो अब अगाडि आइज भन्दै थियो तिनीहरूले तिनीहरूको डान्स आएछ तिनीहरूको हो
पहले तारी चोरी ने तो देख ले, अब आज मारी उम्र ही की है बापू। वहां से ज्यादा बकबक कर लेवे है, और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए। अब बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैर पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मार जो अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गड़ा दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस बीच नो मारेगा। मुझे दुकान चलावे है, मुझे दुकान चलावे है। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चलेगी? और जो जवान यहाँ निकले है ना, ससुर जवान ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया, घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी पेटियां भी कम ना देती है। जे किताबों में कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया, देख जे किताबें डिग्रियां किससे। देख जे किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लगे, छोरियों के हाथ महंगी ठीक लगती है। ये तेरी किताबें इनका तो मैं आज किताब काम का हाथ कर लूँ। ये सॉरी बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, जो पानी पता रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मरे बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ करके बैठेगी। देख ब्याह तो तेरा होगा, और ये बताओ कल की कल होगा। 20 साल बाद के तने तो अपनी जिंदगी खराब करी ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तुमने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती है। ये मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। बापू मैंने खाना बनाना चोखू ना लागे। मुझे दुकान चला गया, मुझे दुकान चला गया। बापू नहीं, कोई कर सकता सॉरी। बापू हाँ, जो जवान यहाँ निकले है ना, असल जवान ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। गुड्डी? हाँ वही गुड्डी जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहता था तू बापू। ना ना गुड्डी, गुड्डी गुड्डी मुझे माफ कर दे बच्ची। नहीं बापू,
मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है, याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तूने मुझ पर किया था। एहसान मार जो अब तक जिंदा है तू, बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो बक बक ना सुननी पड़ती यार। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस बीच नो मारेगा। गुड्डी गुड्डी मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची मैं तेरा गुनेगार हूँ, एहसान तो मैं तेरा मारता हूँ। बेटो और बेटियों में फर्क करना, तू आंखों में फर्क करने समान है, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू। उपकार मारता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यो है कि मुझ जैसा भाप तेरी बराबरी कर सके इसके लायक भी नहीं। I'm not gonna lie, 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 I'm not gonna l
क्या पो रहेछ त्यो त अनि बारे नि जान लाइ बस्यो है के गरे बस्यो के भयो जाने अहिले के भन्छ तिम्रो के हो नयाँ भ्लगहरू अपलोड किन नगरेकोहरू भन्दैछ क्या गरिरहेर भन्दैछ क्या मान्छेहरूलाई त्यस्तो नोटिफिकेसन जान्दैन रहेछ हौ नयाँ भ्लग हालेको त्यही सोध्दैछ जोले पनि जाम लाग्यो गाडी जाम लाग्यो जो जो अगाडि छैन जाने बाटो मेरो ल हिँडे हामी चाहिँ घरतिर ल त गाई छ आइपुग्यो है हामी प्रोग्राम पनि हेरेर है आएर म चाहिँ अनि ढिलो भइसक्यो अन्त पूजा सुजा पनि गऱ्यो है र अनि आजको प्रोग्राम अब है कस्तो लाग्यो है प्रोग्राम आजको ब्लग है कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् नयाँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सबैजनालाई फेभरेट